माई ने खिड़की बंद की थी, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैं इस माई नु जन्नत देनी। अर्ज की थी अल्लाह ने तेरा यार वे के खिड़की बंद कर ली है। अल्लाह ने फरमाया की होया, उन्हें दीवार दी खिड़की बंद की थी है ना, उदे दिल दी खिड़कियां खोल दितियां ने। अर्ज की थी अल्लाह इना कर्म क्यों पिया करने, फरमा क्यों ना कर्म करा ओदी दीवार ना ढोला के मेरा माही खलोता। मोहब्बत नाल इहतमाम किया वेड़े ते बनेरे ते डेरे जिस तरह अज रोशन ते आबाद ने अम्मा हलीमा दे वेड़े दा सदका अल्लाह इन्हां वेड़े नूं हमेशा इस तरह शादो आबाद रखे। सारे नूं अल्लाह हर कदम ते नेकियां दे ज़खीरे अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा माह मुकर्रम तशरीफ लेके आया। अहले सुन्नत व जमात ने गली गली करिया करिया गाँव गाँव नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिलाद शरीफ नूं गज वज के मनाया। असा अल्लाह करीम का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ने सानू अपना महबूब अता कर दिता है। मैं चोर साहब के डेरे से रबीउल नूर शरीफ हर साल हाजिर होकर तुहानू मिलाद शरीफ ही सुना रहा। तो एक ही इलाके के अंदर बार बार आना, फिर बार बार तकरीर करना, तो बार बार एक ही मौजू पर करना है, बहुत मुश्किल होता फकीर के वास्ते। मगर अज फिर मैं तुहानू मिलाद सुनाना है, मगर अज अंदाज जरा थोड़ा लैदा होगा इंशाल्लाह होवेगा मिलाद ही, मगर अंदाज़ इंशाल्लाह अलहदा होगा क्योंकि खतीब हाँ। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो मुख्तलिफ उनवानात हमेशा सुनावा। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक ऐसे ही जिमन के अंदर मैं पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अलम यजिद का यतीम अनफा आवा। पंजाबी दसादा जो तर्जमा इरशाद फरमाया महबूब क्या असा तुहानू यतीम पाया फिर तुहानू आसरा नहीं दिता। तारीख आलम गवाह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ लेके आए तो यतीमी की हालत आए, जिद बाप का साया सिर से ना होवे अमूमी तौर पर उन्हें यतीम किया जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब दुनिया से तशरीफ लेके आए तो आपके वालिद गिरामी आपकी विलादत तो कुछ महीने पहले दुनिया तो इंतकाल फरमा चुके सन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। अल्लाह ने अपने महबूब नूं क्यों यतीम पैदा फरमाया, इहदियां उलमा ने काफी तौजीहात बयान फरमाईयां। पहली तौजीह यह बयान फरमाई कि चूंकि दुखी है दी गल दुखी आ जाने। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले सारी कायनात दे यतीम तेरे दरवाजे ते आके पलने ने, फअमल यतीम फला तकहर। सोनिया जदों यतीम तेरे को दरवाजे ते आवे ते तेनों अपनी यतीमी याद आ जावे, क्योंकि इंसान जब दुखा च गुजरिया होवे तो उन्हें दूसरे दुखी की कदर होती है। अल्लाह ने अपने महबूब नूं इस वास्ते यतीम पैदा फरमाया कि सोनिया जब यतीम तेरे दरवाजे ते आवन सवाली बन के आवन तो किसी ने झिड़की ना मार दे। तो इरशाद फरमाया फअम्मल यतीम फला तकहर व अम्मसाइल फला तनहर। फरमाया सोनिया जे तेरे दरवाजे ते कोई यतीम को सवाली आ जाए तो सोनिया नूं झिड़क ना मारी। चरिशा फिर अल्लाह ने अपने महबूब नूं फरमा सोने को सवाली आवे तो झिड़क ना मारी, तो सोने भी सारी जिंदगी किसी ने झिड़क नहीं मारी। अज भी कोई तेरे मुस्तफा से टुर जावे तो झिड़क अज भी नहीं सोना मार। उलमा फरमाते ने कि कमली वाले ने सारी जिंदगी झिड़क तो नहीं मारी, पर जो आना ना कयामत का मैदान ये हजूर ने अल्लाह के अर्श के साए थले सानू सारे कट्ठिया करके लै जाना है। तो अर्ज करनी है तू मैनू आख्या सी झिड़क ना मारी, मैं भी नहीं मारी, अज मैं भी लैके आया तो झिड़क तू भी ना मारी। अज मैं भी गरीबों लै आया, अज मैं भी गुनाहगारों लै आया तो अज झिड़क तू भी ना मारी। अल्लाह ने यतीम इस वास्ते पैदा फरमा के सोने तेन अपनी यतीमी याद आ जाए। देखो ना कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराइया अपने बचपन। सैयद आलम ने फरमाया कि कोई एक नबी भी ऐसा नहीं कि जिन्हें बकरियां ना चारियां हो, सारे नबिया ने बकरियां चारियां। बल्कि हजूर ने फरमाया कि जिदे घर चो गुरबत खत्म ना हो मेरी सुनत समझ के बकरियां पाल लवे रब उसकी गरीबी मुका देगा। अल्लाह ने नबियां दी क्यों ड्यूटी लगाई बकरियां चरावन की, इहदी वजह की है बकरी बड़ा हलीम जानवर है, बड़ा नरम दिल। हाफिजाबाद वाले रसूलपुर तारण वाले तुसा कदे वेख्या होवे जिहड़ा बकरियां दा आजड़ी होंदा ना जिहड़ा बकरियां चरावन वाला, एक बकरी
ਬੱਕਰੀ ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤੀਸਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਚੌਥੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਚਰਾਵਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜ ਉਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह कुल माई कंगी का तोहफा लेके आई थी आपने कबूल ना किया माई रोन लग पी थे आपने फरमाया माई जा सुई लेके आ माई सुई लेके आई थी आपने कबूल कर ली गुलामा ने अर्ज की हुजूर कंगी नहीं ली तो सुई क्यों ली फरमाया कंगी वखो वख कर दिए सुई जोड़ दिए तो नबियां दी ड्यूटी जोड़ के रखना दरवेशा ते फकीरां दी ड्यूटी होंदी है जोड़ के रखना अल्लाह ने नबियां दी इस वास्ते भी बकरियां चरावन दी ड्यूटी लगाई कि उम्मत नूं जोड़ के रखना दूसरा बकरी बड़ा हलीम जानवर होंदा है जिस्म भी नरम ते तबीयत भी नरम नबी जद बकरियां दे नाल बचपन च रहंदे ने ते तबीयत च मजीद नरमी पैदा हो जांदी अल्लाह ने इस वास्ते भी नबियां नूं बकरियां दे कुर्बे च रखिया तो बकरियां नूं हुजूर दे कुर्बे च रखिया इस वास्ते यतीम पैदा फरमाया ताकि यतीमां दा एहसास दिल च पैदा होवे मेरा दिल करदा ए सारी जड़ी मैं बहस कीती ना इहदा तर्जमा मैं मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कोल करवा के देवां रसूलपुर तारण वालेओ तुहाडे कोलो सुभान अल्लाह लैनी एडी मुश्किल है कि जिवें वोट लैणा मुश्किल है कसम नाल ते यकीन करो है ते बड़ियां मुफ्तां वालेओ पर तुहाडी इक आदत है कि तुसीं चुप करके बोतां सुणदे हो ते खतीब तो आजमांदे भी चूंकि हाफजा पाती हो ना तो तुसा बड़े बड़े खतीब माशाल्लाह भुगत छोड़े ने तो हुन मेरी बारी आई है तो चुप साहब ना मेरा प्यार तो बन ही गया अलहमदुल्ला अल्लाह करे दुनिया कब्र हशर चेंजी रवे हुन तुसी सुभान अल्लाह इन्नी कुछ ही फरमाओ कि अम्मा हलीमा दे घर वास जावे गोडे छड़ दे किधरे नहीं दौड़ दे ते अपने ते नाल दे दे हाथ नूं चुके ना ते हिला के जगा के बोलो सुभान अल्लाह पूरा मोहल्ला गुंजे उच्चा बोलो सुभान अल्लाह खड़े बैठे जिथे भी महबूब तो सारे ही है ना भाई सारे मिला दी सारे बोलो सुभान अल्लाह आरफे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे ले ओ महबूब ओ महबूब हबीब रबाना रोज़ हशर दा आप यतीम यतीमाताई हथ सिरे ते तरदा आप यतीम यतीमाता हथ सिरे ते तरदा आप यतीम यतीमा ताई हथ सिरे ते तरदा मेरे नबी ने फरमाया जड़ा यतीम दे सिर ते शफकत दा हथ रखे जितने वाल ओदे हथ दे नीचे आवणगे ओने रब गुनाह माफ फरमा देवेगा आप यतीम यतीमा ताई हथ सिरे ते तरदा आ हुण मैं दसा मेरे नबी यतीम ते आए मगर यतीमां नाल प्यार किवें कीता मेरे नबी एक दिन सरकार नमाज पढ़ के मस्जिद नबी चो निकले ते सामने चौक है जिवें तुहाडा चौक है ना इंज मस्जिद नबी दे बाहर चौक सी बच्चे पे खेलदे सरकार बच्चा नूं खेडदा वेखण वास्ते ना मस्जिद नबी दी दीवार नाल टेक लगा के ते गली विच ही बैठ गए वाह कमली वाले आ तेरी अदमा तू सदके जावां तेरा टुरन फिरन नूं दिल करे ते खुदा दे अरशां ते सने जोड़े फेरावें तेरी आज जी तू कायनात ही वार देवा तेरा बैठन जिल करे तो मदीने दी गली च बह जाता है सरकार मदीने दी गली च ना मस्जिद ना टेक लगा के दरवाजे ना बैठ गए नौजवानों दी टोला तू भी सदके जावा उलमा फरमाते ने फतह मक्का दा दिहाड़ा ते मेरे नबी एक काफिर माई दे मकान दी दीवार ना टेक लगा के ते मक्के दी गली च एक सहाबी ना गल्लां पे कर दे अंदर माई दे कन्ना च हुजूर दी आवाज गई ते माई नु ख्याल आया आवाज बड़ी सोहनी है बंदा किन्ना को सोहना होवेगा माई ने ए इस तरह करके खिड़की खोल के गर्दन बाहर निकाल के गली च वेखिया ते हुजूर दे चेहरा अनवर ते निगाह पै गई ते माई ने खिड़की बंद कीती ते दौड़ गई कहन लगी ए तां मुहम्मद है सुनिया नु वेख के लोगां दे ईमान ही बदल जांदे ने माई ने खिड़की बंद कीती अल्लाह ने फरमाया जिब्रील
मैं समाई नु जन्नत देनी अर्ज की थी अल्लाह ने तेरा यार वे के खिड़की बंद कर ली है। अल्लाह ने फरमाया की होया उन्हें दीवार दी खिड़की बंद की थी है ना उते दिल दिया खिड़कियां खोल दी दिया ने अर्ज की थी अल्लाह इना कर्म क्यों पिया करने फरमा क्यों ना कर्म करा ओदी दीवार ना ढो लांगे मेरा माही खलोता मेरे नबी टेक लगा के गली च बह गए बच्चे खेल रहे एक सहाबी गुजरे उन्हें वेख्या मेरा बच्चा पे खेल दे अपने बच्चे नु लगा के ना परमा लगे चल घर चल नबी पाक बह के फरमाते ने खेलन दे सहाबी चले गए उस सहाबी दोपहर वेले दोबारा गुजरे थे वेख्या बच्चे अजे भी खेरे थे नबी पाक भी बैठे अपने बच्चे नु कहंदे ने चल सुबह दा खेल रहे चल घर नबी पाक फिर वेख के फरमान लगे खेलन दे सहाबी चले गए शाम मेरे तीसरी बारी गुजर होया ते वेख्या बच्चे अजे भी खेल रहे ते नबी पाक अजे भी बैठे बच्चे वाले जावन तो पहले एक बारी हजूर वाल वेख्या वेखा हजूर दी की मर्जी है नबी पाक ने इशारा करके फरमाया लै जाओ बच्चे नो उंगली ना लगा के नबी पाक को ले आए ते अर्ज की थी या रसूल अल्लाह दो बारी क्यों नहीं लेके जान देता नबी पाक दी अखा च हंजू आ गए ते रो के फरमाया तेनू की लगता मैं सवेर दा गली च एवें बैठा अर्ज की थी सोनिया की वजह है फरमाया ओ वेख इन्हां बच्चों च एक यतीम पिया खेलदा है फरमाया जे तू पुत्र नू लै जांदू उहनू ख्याल आउंदा सी कदे मेरा भी अबू हुंदा ते मैनू भी लैण आउंदा फरमाया सवेर दा उस यतीम वास्ते गली च बैठा कि उहनू ख्याल आवे जिहदा कोई ना होवे उहदा कमली वाला ते बैठा ही है ना वाह गरीबां दा पक्ष करन वालिया वाह गरीबां दा पक्ष करन वालिया वाह यतीमां दा पक्ष करन वालिया एवें नहीं मेरे नबी ने आख्या हथ चुक के अर्ज कीती या अल्लाह मैं मुहम्मद नू मस्कीना च रख मस्कीना च मौत देवी कयामत नो मिस्कीना ची खड़ा करी रसूलपुर वालों कैसा मंजर होगा जब कयामत नो अमीर अमीरा च खलोते होंगे नमाजी नमाजियां च खलोते होंगे हाजी हाजियां च खलोते होंगे सखी सखियां च खलोते होंगे कमली वाला गरीबा च खलोता होगा सोना गरीबा च खलोता होगा मैं तर्जमा जे करया करना वा वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला मुरादे गरीबों की पर लाने वाला वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला मुरादे गरीबों की पर लाने वाला वो मुसीबत में गैरों के काम आने वाला मुसीबत में गैरों के काम आने वाला वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला मुरादे गरीबों की पर माशाल्लाह माशाल्लाह चोर साहब जी आले रसूल नसल रसूल खून बतूल साहबजादा वाले मर्तबत पीर तरीकत राहबर शरीयत हजरत साहबजादा पीर सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब दामत बरकातो मुलालिया देवो जीनत आस्थाना आलिया दो अटाज मशरीफा तशरीफ लेके आए मैं आपको खुश आमदीद कहना हूँ उच्चा सुबहान अल्लाह शाह जी ने बोल के वो खो बोला तुम कि सुबहान अल्लाह फरमा रहे हो
नहीं तुसा रोंद मारे उची पे बोलते सो उंज बोलो सुभान अल्लाह। ऐ हाथ नहीं तुसा चुके भाई, हाथ चुके बोलो मैनू पता लगे जूंदे जागदे नबी पाक दे नौकर च बैठा। माशाल्लाह शाह जी किबला, अज मैं गुफ्तगू कर रहा हूं अल्लाह यजिद का यतीम अनफा आवा। ओ यतीम आए मगर हिन दुर्रे यतीम, यानी कीमती हीरा नायाब हीरा। शाजी यतीम पावे उस दौर दे होन ते चौधरी पावे चौधरी साहब यतीम पावे इस दौर दे होमन पाल दे सारे दरे मुस्तफा ते ने। हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहदीस अली पुरी रहमतुल्लाह अलैह, ओ बाबा जी ने जिंदगी च तकरीबन 70 हज कीते। इत्थे सुभान अल्लाह कहनी चूरा शरीफ दे अजीम खुलाफा चो जद अरबी बड़े गरीब सन बाबा जी उदो बड़े अमीर सन। जद सऊदी अरब चो तेल के खूहें निशा निकले तो बाबा जी बड़े अमीर सन, इतों पाकिस्तान चो दौलत कट्ठी करके लै जाते हैं तो मदीने के गरीबों तकसीम करते हैं। आपने मदीने लंगर खाने खोले जिन्हों का नाम से शाह जमात मंजिल, अज भी मदीने लंगर खाने मौजूद ने। तो अरबिया ने आपने लकब दिता अबू अल अरब, अरबिया का बाप है अजमी। तो अरबिया इंज पालता जिमें बाप अपनी औलाद न पालता है। ओ अबू अल अरब हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि दिन मैं हजूर दे रोजा नंबर के करीब तो गुजरिया तो एक 10 साल का बच्चा उन्हें अरबी लिबास पहनया तो नबी पाक के गुंबद खिजरा वल वेखी जाए रोई जाए तो रोई जाए। आप उसके करीब जाके फरमा लगे बेटा क्यों फिर रोना है? तो बाबा बच्चा रो के कह लगा बाबा जी मेरा होया जो कोई ना। आपने फरमाया क्यों रोना? कह लगा बाबा जी 3 दिन गुजरे खादा कुछ नहीं, भुख बड़ी लगी। फरमाया अम्मी को जाना, अम्मी को जाके खाना खा लिया, घर जाते अबू भी कदे होणगे। बच्चा नबी पाक दे गुंबद खिदरा वल वेख के कहन लगा अबू भी कोई नहीं ते अम्मी भी कोई नहीं। ते नबी पाक नु आख के क्या कहना आना दईफू का या रसूल अल्लाह, सोने अज मैं यतीम अधुरे यतीम तेरे दरवाजे का परौना बन के आया। तो उन्हें दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुँह का परौना बन के आया। फिर जमात अली शाह साहब रोन लग पे, उस बच्चे ने चुके जा जमात मंजिल लै आए, लंगर मंगवा के बच्चे के सामने रखिया। बच्चा बड़े शगफ न खाना खा रहा। तो आप फरमान लगे बेटा तेन पता मैं कौन हाँ? बच्चा कह लगा बाबा जी मैनू नहीं पता कौन हो। फरमाया मेरा नाम अबू अल अरब है, मैंने दुनिया पीर जमात अली शाह कहती है। आपने फरमाया मैं लखा मुरीदा का पीर हाँ सैयदज़ादा, पुत्र तू इतने भुखा रहना है तो तेन पाकिस्तान ना लै चला, उत्थे तेन माँ का प्यार भी देवगा बाप का प्यार भी देवगा, जोड़े रोज नवे लैके देवगा तो पुत्र तेन खाने रोज सोने खिलावगा। दुनिया तेरे हाथ चुमया करेगी कि मदीने का बच्चा आ गया है तो आजा तेन पाकिस्तान लै चला। आपने ना फरमा बचने लुकमा लबा दे करीब लिया के रुकमा रख दिता। पीर जमात अली शाह दा दामन पकड़ के नबी पाक दे रोजे ते लै आया। कहन लगा बाबा तेरे पाकिस्तान मां दा प्यार भी लबेगा। फरमाया लबेगा अखे बाप दा प्यार भी लबेगा। फरमाया लबेगा इशारा करके कहन लगा उठे नबी दा रोजा भी लबेगा। आपकी चीख निकल गई फरमाया उठे लबदा मैं मदीने की लैने आना सी। बच्चा दामन छुड़ा के दौड़ गया कह लगा बाबा रख अपना पाकिस्तान खोल मैं अम्मा बगैर रह सकना अबे बगैर रह सकना मैं खाने बगैर रह सकना मदीने वाले बगैर नहीं रह सकना। हाथ ओ बंदा खड़ा करे जिन्हों लगता मेरा दर नबी दे दर दे सदके वसदा है। सखी दे बूवे आयो ना सवाली दा काम होंदा सखी नू कहना तेरे घर दी खैर होवे। जेड़ा कमाई ते पालदा हाथ नीवे रखे जिन्हों लगता मेरा लंगर मदीने आउंदा इंज हाथ खड़े ऐसरा भाई ऐसरा इंज नहीं अज ऐसरा करके ना तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए सदा वसदा रबे तेरा दबारा या
सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबादा गुजारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबादा गुजारा यतीम जो नबी पाक एक दिन ईद की नमाज पढ़न जा रहे थे, सारे बच्चे कोई सवारी ते बह के, कोई ऊंट ते बह के, कोई घोड़े ते बैठ के, कोई अपने बाप के कंधे ते बैठ के ईद की नमाज पढ़न जा रहे थे। बच्चा ना ओ मदीने की गली च प्यार हो हजूर गुजरे ते फरमा तू क्यों रोना है? तो कहंदा कदे अज मेरा भी अबू होंदा ना ते मैं भी कंधे ते बैठ के जांदा। बाप की कदर किसी उस यतीम को पुछ जिदा बाप कोई नहीं, जिदा अबू टुर गया। बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के बाजार चो गुजर जाए ना ते बच्चे नो इंज लगता जिवें सारे बाजार के खिलौने मेरे ने, कि कोई अबू नाल है। ते बाप टुर जावे ना ते इंज लगता जिवें आसमान तो इलावा सिर ते साया ही कोई नहीं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे नबी उस बच्चे नु फड़ के सीने लगा के ते घर ले जाए। अमाशा सिद्दीका ने फरमाया कि उस बच्चे नु हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन नजीरैन मजमाउल बहरैन दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे नवे कपड़े पहनाओ। उन्हें गुसल दे के बच्चे नु कपड़े पहना के जदों उहदे वालां च कंघी करके सुरमा लगा के सज सजा के टोरिया ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज्जे हाथ नाल इमाम हसन ते खब्बे हाथ नाल इमाम हुसैन नु फड़ लिया ते उहनूं कंधियां ते बिठा लिया। उन्हों सरकार कंधिया से बिठा लिया। वो मदीने की गलियां टुरदा जावे ते हजूर फरमान लगे खुश हो जा मुहम्मद तेरे अबू लगते ने, आशा तेरी माँ लगती है, फातिमा तेरी बहन लगती है, ते हसन हुसैन तेरे वीर लगते ने। वो बाजू चुक चुक के मदीने की गलियां चाखे वो लोगो मैं यतीम नहीं जी रहा, मुहम्मद मेरे अबू लगते जे, मुहम्मद मेरे अबू लगते। पर जिस दिन सरकार ने दुनिया तो परदा किया ना वो बच्चा फिर मदीने की गली च बैठ के प्यार हो गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर गुजरे ते फरमा क्यों रोना? उन्हें आख्या लोग एक बारी यतीम होते ने, मैं दूसरी बारी यतीम हो गया, सरकार चले गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पकड़ के उन्हें सीने ला के उन्हें कंधियां ते बिठा लिया, फरमाया रो ना रसूल करीम दे, जे मैं मिंबर दा वारस हाँ ना तो सरकार दी जिम्मेदारियां दा भी मैं ही वारस हाँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जिस दिन खलीफा बने ना मदीने दे यतीम गलियां च फिर रोंदे सन, फरमा क्यों रोंदे? उन्हें आख्या सरकार अगे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साड़ियां बकरियां चार के ते दुध चो के दे जांदे सन ते हुण हुजूर टुर गए सी रोने साड़ियां बकरियां चारेगा कौन ते दुध कौन चोवेगा? सिद्दीक अकबर ने फड़ के सारे यतीमां नूं सीने ला के फरमा रोवो ना, अगे बकरियां मैं अपनी मर्जी ना चारदा सां, हुण ते यार ने ड्यूटी यतीमां दीआं बकरियां चारां ते ला दित्ती है। गरीबां दा पक्ष करन वाला रसूल ते यतीमां दा पक्ष करन वाला रसूल। अलम यजिद का यतीमन फावा, यतीम इस वास्ते बनाया के सोनिया तेरे बूहे ते यतीमां ने आना है, सोनिया तेनू अपनी यतीमी दा ख्याल आ जावे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इंजी यतीमां नाल प्यार कीता, ऐसा यतीमां ते गरीबां नाल प्यार कीता। कायनात ने वेख्या कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ऐसियां यतीमां ते गरीबां नूं सखावत अता कीतियां। ग्रामीय कदर हजरात, जब मैं इस सिर्फ सिलसिले ते गुफ्तगू करा तो बड़ा वक्त दरकार है, मगर चूंकि मैं मिलाद भी नाल नाल सुनाना है तो ये भी मिलाद ही।
है ये भी मिलाद। असा सिर्फ नारे लगा के सुभान अल्लाह कह के लंगर खा के नहीं जाना, नबी पाक दी सीरत दा को रंग भी लेके जाना। मैंने जब पढ़िया करना अरबी सुल्तान आया, कोई अरबी सुल्तान आया, ए नीवया उच्चिया दे सोना फर्द मिटान आया, ए नीवया उच्चिया दे सोना फर्द भाई। कोई अरबी सुल्तान आया, सारे मिलके हाथ चुके मेरे नाल एक बारी नबी पाक दा मिला दे जिवें पढ़ लो, अरबी सुल्तान आया, ए नीवया उच्चिया दे सोना फर्क मिटान आया। कमली वाले जदों मां दी गोदी विच आए ते यतीमी दी हालत विच आए, अल्लाह मियां जिद का यतीम अंत तुसा सो लिया, हुण आओ मैं तुहानूं आवाज़ सुनावा। ओ केड़े सारे सन चौधरी साहब जिहड़े अल्लाह ने अपने महबूब नूं अता कीते, कौन है दिवाली बारह रबी अव्वल दी रात जदों मां दी गोदी चाहे ते इस तुसा मिला ते मेरे कोल मुराद हाउस च सुन लिया। हुण अगली गल सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दादा जान उस वेले काबे दा तवाफ ते करदे सन, तबाफे काबा कर रहे थे, इधर आमिना सैयदा पाक दी गोद च जद हुजूर आए ना ते इमाम इब्ने हिशाम ने लिखिया कि आपने मोहल्ले दी एक छोटी जी बच्ची बुला के आखिया, दौड़ के जाते दे दादा जी नु बुला के लिया, दादा जी नु जाके बच्ची कहन लगी बाबा जी जरा जल्दी आयो, अल्लाह ने तुहानू बड़ा सोहना पोतरा अता कीता है। हजूर दे दादा जी फरमाते ने मैं वेख्या कि काबा ना मुकाम इब्राहिम वल झुकिया पे जावे, हजूर दे घर वाले हैरतज़दा होके फरमाते ने काबा सारी कायनात तेरे वल झुकदी है, तू किधर झुकी जाना है, काबे दे विचों आवाज आई सारा जग मेरे वल झुकदा है, मैं तेरे घर वल झुक के कायनात नूं दसना चाहना कि मैनूं बनाया ते इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सी पर वसाउण वाला तेरे बूहे आ गया, ओ वसाउण वाला आ गया, बनाया उन्हां सी पर वसाना मुस्तफा ने, क्योंकि हजूर काबे दे भी काबा ने इहदे ते बहस अलहदा दरकार है। हजूर दे दादा जी तेज तेज कदम चलते, मैं दौड़ता तो नहीं कहांगा क्योंकि वह अरब के सरदार सन, दौड़ना उन्होंने वजाहत के मुखालिफ से खिलाफ से, वह दौड़ते तो नहीं पर तेज तेज कदम चलते घर आए ना, आके सैयद आमिना के मत्थे ते प्यार करके फरमान लगे लिया आमिना बेटी मेरा पुत्र मेरी गोदी च दे दे। शाहजी दस पुत्र होवन बाबे दे ते उम्र होवे 90 साल, दसा पुत्रा चो लाडला होवे अब्दुल्ला, छोटा होवे अब्दुल्ला, सोहना होवे अब्दुल्ला, वह सोहना ते लाडला 25 साल की जवानी च शादी तो 3 महीने बाद दुनिया तो टुर जाए तो वो जामन तो बाद अल्लाह उन्हें मुहम्मद देवे ते दादे नु किवें दे चा चढ़े होवणगे। हजूर दे दादा जी ने फरमा लिया आमिना मेरा पुत्र ही मेरी गोदी च दे दे। सैयद आमिना कमली वाला दादे की गोदी च रखा तो अथरुआ की इंज के तार जिमें तस्वीर टुट जाए तो तस्वीर के दाने गिरते हैं। हजूर दे दादा जी रो के फरमा लगे आमिना अल्लाह से तुमने एडा सोहना लाल दिता है तो धीए रोने क्यों है, क्यों रो रही है? अर्ज कर दिया बाबा मैनू अब्दुल्ला दी याद आई, अज मैनू अब्दुल्ला दी याद आई, टुर गए ने दिलदार दिला दे बदनों चुके मुहारावा उजड़ी बस्ती नगरिया वे कंड दी जदियाारा ए उजड़ी बस्ती नगरिया वे कंड दी जदियाारा। रोके कह लगी बाबा मैं रोनी आऊ तेरा पुत्र जम दिया यतीम रोनी अबू अबू किनू आखेगा कि सीने ते छाया करेगा, मैं रोनी कि उंगली फड़ के टुरिया करेगा, एडिया मिठिया गल्ला कौन सुनेगा, इनू खिलौने कौन लेके देगा,
इनू सहरा कौन करावेगा। नबी पाक दे दादा जी भी रोन लगे पे, उतो आवाज आई अलम यजिद का यतीम फावा। अल्लाह ने फरमाया आमिना रोइनो, ए महबूब मेरा है, ए अबू अबू नहीं आखेगा, ए आहद आहद आखेगा, ए सीने ते सौन जी करेगा, अपने काबे दी हदीम च सुला देवांगा, एदा उंगली फड़ के टुरन जी करेगा, उंगली दे इशारे ते दरख्तां नूं टोर देवांगा, एदा मिठियां गल्लां नूं जी करेगा, पत्थरां तों कलमे पढ़ा देवांगा, एदा खेडण नूं जी करेगा, चन खड़ौना बना देवांगा, एदा सैर नूं जी करेगा, मैं अरशा ते बुला लवांगा। वेखी कैसे दे यतीम नु सहारे देना, इनू मैं अरशा ते बुला लवांगा, जिहड़ा सैर नु जी करेगा, खेडन नु दिल करेगा, लोकां दे बच्चे मिट्टी दे खड़ौने ना खेडदे। वाजा अलल कमर नूर, ओ भी नूर ते ए भी नूर, मैनू चन खड़ौना बना के दे दे। फिर हलीमा दे घर पंगूड़े च जिधर जिधर इशारा करदा, चन मुस्तफा नाल खेडदा है। तेरे सहारियां तू सदके जावां, ऐसे सहारे, फिर ऐसे सहारे। तुसा उस दिन सुने अम्मा हलीमा आई ते लै गई, पर मैं हुन इस तू अगली गल करनी है, आ गई ते लै ते गई। फआवा फआवा सहारे कैसे, अम्मा हलीमा घर लैके गई है ना, तवज्जो है, एडी थकी सुभान अल्लाह, मेरे को तकरीर हुंदी ही नहीं, थोड़ा होर ऊंचा बोलो। उस दिन भी आख्या सी गला खराब हो जाए, सुबह लोग पूछन तेरे गले नु की होया, आखिर राती पिंड मिलाद सी, मैं मिलाद दे सुभान अल्लाह कहंदा रहा। अम्मा हलीमा जदों हुजूर नु घर लेके गई ना,